श्री राम, जय सीताराम। नजदीक आइए भैया, माइक लीजिए और नजदीक यहाँ आओ। आपने नाम बताया किसी को? नहीं, मोने कौन सींग लगे कि मैं माराता हूं। राम, और जिनको हम बुला रहे इनको तुम ले जाओ, जिनको दिक्कत हो इन्हें ले जाओ, एक कोने में लगो इनकी धुनाई। अब पूछो इनसे कि बिक तो नहीं गए, पूछो इनसे कि तुमने काय पे अपनी जानकारी डाली थी, इन्हें लुभा जाओ। सीताराम बोलो। सीताराम साधु जी। सीताराम सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। कहाँ रहते हैं? विनोद पवार मेरा नाम है, पूना से आया हूँ। हाँ पूना से, हाँ हाँ, बहुत जल्दी हम पूना भी आने वाले हैं। आज ये सर स्वागत। पूछिए क्या प्रश्न है? सर माइक से नहीं बोलना है। माइक से नहीं बोलना है, ठीक है, बिना माइक के बोलो। 2017 बोलते रहो, हमारे तो पर्चा में लिखा तुम एक अक्षर यहाँ वहां नहीं बोलोगे। आप क्या चाहते ये बोलो, हम उसका उत्तर देंगे आपको। सीधा पढ़िएगा। आप आपके घर में पत्नी से क्लेश बना है, परेशान है, माइक से ना बोलें। आपके घर में पत्नी से क्लेश बना है, परेशान है, और आप तलाक लेना चाहते हैं, कार्य पूर्ण होगा। लेकिन उसी को लेकर के बार बार चिंता में भी तो रहते हैं, तो आप चाहते नहीं उसको। नहीं, अभी क्या इतना हो गया, कलेश बहुत हो गया। को भी कुछ भी बोला, धमकी देते हैं, घमंड बहुत ज्यादा है, उपद्रव करते हैं, तो माओ दूसरों भी बढ़िया हुई है। मैं तो नहीं करना चाहता, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। हमसे जुड़ के ना हमारे संगे रहे हो तो रड़ुए ही रहे हो फिर। हाँ हमसे ना जुड़ो। महाशिवरात्रि को आप समाज सेवा करेंगे, इसको इनको घमंड है और कुछ कारण इनके मायके पक्ष के भी है, ठीक है। जो हमने कहा वो निश्चित होगा। नाक रगड़वाना चाहते, तुमसे बर्बाद करना चाहते, ये तुमसे उन्होंने धमकी दी है, फोन पर दी है, और फिर इसके बाद में किसी के माध्यम से दी है, और वो तुम्हारे पास आकर के ऐसा बोला है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुमको बोला है। लेकिन अब हम तुमको बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। खुश रहो, ये बताना भी मत। नहीं नहीं नहीं, हम बैठे जिंदा, तुम तो बागेश्वर धाम आना शुरू करो। खुश रहो, उठो। राम बहुत है, अरे बहुत है, तुम आ गए, तुम अब आते रहना, जुड़े रहना, और हम चाहे कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़े रहो, तुम अब आओ ही ना होइए, ठीक है, जाओ खुशी रहो। धाम की पेशी और वहीं पर चित्र जमा करना है, ठीक है, जाओ। सीताराम साधु जी, साधु जी।